अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट है जी लेक्चर नंबर 7। कैपेसिटर स्टार्ट होने लगे हैं। बस ये लास्ट 2 लेक्चर रह गए हैं इस चैप्टर के, एंड देन फाइनली चैप्टर नंबर 12 का जो है वो एंड होने वाला है। कैपेसिटर क्या होते हैं आज हम ये पढ़ेंगे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालेंगे एयर के लिए और किसी भी मीडियम के लिए। ठीक है, ये 2 फार्मूले स्ट्राइव करेंगे और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ बुक में इन डिटेल्स के साथ लिखा हुआ है, आपने ये भी रीड करना है। मैं नोट्स इसलिए फॉलो करवा रही हूँ, नोट्स में जिस तरह से लिखा होता है पेपर में क्वेश्चन आपने उस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, इसलिए मैं नोट्स से करवाती हूँ। ठीक है, चलें जी, ये रहे नोट्स। कैपेसिटर क्या होते हैं? कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। चार्ज आप लोगों को पता है क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करती है। सिंपल से सिंपल कैपेसिटर जो होता है वो 2 मेटल की प्लेट्स होती हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसकी सिंपल टाइप है। और भी बहुत से शेप्स के कैपेसिटर होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक साइड, अगर हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव के साथ लगाएंगे नेगेटिवली चार्ज होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी एक साइड प्लेट ए कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी रिसीव चार्ज प्लस क्यू, यानी कि इस वाली प्लेट को उन्होंने प्लेट ए कह दिया है, इस वाली प्लेट को उन्होंने प्लेट बी कह दिया है। तो प्लेट ए कब चार्ज होगी? जब इसको पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे अकोमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसका मतलब अब इस प्लेट पे क्या हो गया, चार्ज हो गया, वो स्टोर हो गया। ठीक है, कितना चार्ज यहाँ पे होगा वो इसकी वोल्टेज पे डिपेंड करता है, बैटरी की वोल्टेज पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर बेसिकली किस तरह का होता है, मैं आपको वैसे अपना मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने उस पर काम किया था, कैपेसिटर यूज़ किया था, होता किस तरह का दिखने में वो आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये जो छोटा सा ग्रीन से कलर का ये जो लगा हुआ है ना, ये कैपेसिटर है। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, मैंने ये जो ग्रीन से कलर का कैपेसिटर लिया था, आई थिंक जब याद नहीं है, ये 11 फैरेड का था। कैपेसिटर की यूनिट होती है फैरेड, ये भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, मैं आपको जब भी दिखा रही थी, ये मैंने ये इसके साथ बैटरी कनेक्ट की हुई है, जो यहाँ पे ये बैटरी हम लोग शो कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये वाली बैटरी है, ये 9 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई है। ये मेरा प्रोजेक्ट था, कैपेसिटर ये लगा हुआ है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का काम था, ये मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वैसे आपको दिखा रही थी। ये मेरा LED म्यूजिक रिदम का प्रोजेक्ट था। यहाँ पे ये जो ये माइक लगा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ से सेंसर डिटेक्ट करते हैं, और ये देखें ये लाइट्स चलती हैं, ये म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक में जब ऊपर नीचे रिदम होती है उसके साथ ये प्रोजेक्ट था LED चलने वाला, कि यहाँ से वो माइक के क्लिक म्यूज़िक ऑन करते थे तो LED चलती थी। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट था। अच्छा चलें, अब टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जितना यहाँ पे चार्ज देते हैं उतनी यहाँ से वोल्टेज देनी पड़ती है, यानी कि ये जो चार्ज है ये इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, जब इसका ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी का साइन आएगा, तो साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आता है। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है इसे कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, इस सी को कैपेसिटेंस कहते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। देखें, इसे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इसकी साइज पे, कि कैपेसिटर का कितना साइज है, उसके बीच में प्लेट, उनके उसके बीच में सेपरेशन, और उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक की बहुत सी टाइप्स आपने फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक कूलम्स लॉ में मैंने आपको पढ़ाई बताई थी, पूरा एक टेबल था। डाइलेक्ट्रिक्स बहुत से टाइप के हो सकते हैं, एलुमिनियम, मीका, ग्लास, बहुत से टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। वैसे हम लोगों ने अब आज 2 तरह से कैपेसिटेंस निकालने हैं, एक मीडियम में भी और एक डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में। ठीक है, वो भी पता चल जाएगा। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरेड होती है। ये देखिए, ये कैपेसिटेंस है, इसकी यूनिट फैरेड है। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर 1 फैरेड कब होगी? जब 1 कूलम का चार्ज होगा और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी किसी भी यूनिट को डिफाइन करना हो, उसका फॉर्मूला इक्वेशन जो है वो जहन में होनी चाहिए। इक्वेशन को लेके उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उसी से ही उसकी यूनिट डिफाइन हो जाती है। देखें, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड। 1 फैरेड कब होगी? इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिविन टू द प्लेट्स, इन प्लेट्स को 1 कूलम का चार्ज दिया जाए, पैरेलल प्लेट्स को, कैपेसिटर को, तो वो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें हो,
वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लिहाजा ये इस इक्वेशन से इसकी यूनिट जो है वो डिफाइन होगी फैरेड, ठीक है। इसी तरीके से और भी यूनिट्स होती हैं फैरेड की, माइक्रो फैरेड भी होती है, पीको फैरेड भी होती है। माइक्रो होगा तो आपको पता है 10^-6 होता है, अगर पीको हो तो वो 10^-12 होता है। ये फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं। कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होती है, कैपेसिटेंस किस तरह से डिफाइन करते हैं, अबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इस कैपेसिटेंस, कि एक कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने जो ग्रीन कलर का कैपेसिटर लिया था उसकी कैपेसिटेंस मुझे वैसे याद नहीं, आई थिंक सो के 11 फैराड भी थी, ठीक है। तो ये उसकी कैपेसिटेंस थी कि ये इतने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है इसमें, ठीक है, इसमें इतनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने। तो कैपेसिटेंस को उसी फॉर्मूले से निकाला, Q और V आ गया। अब हमने कैपेसिटेंस का यानी कि C का एक्सप्रेशन निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पहले हम C का एक्सप्रेशन वैक्यूम में देखेंगे, यानी कि दो प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम है, ठीक है। फिर हम किसी मीडियम में देखेंगे इसकी किस तरह से डेरिवेशन होगी। एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करें जिसके बीच में क्या हो, एयर या वैक्यूम उसकी प्लेट्स के बीच में। लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी बी द स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कह रहा है कि लेट सपोज ये डी जो है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जो इसकी सेपरेशन है इसको किससे मेंशन कर दिया जाए, डी से, और ए जो है वो इस प्लेट इन प्लेट का एरिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल एज कम्पेयर टू देयर साइजेस। देखें ये प्लेट कितनी बड़ी है, अब इतना ही ये डी तो नहीं है ना, डी बहुत स्मॉल है, प्लेट बहुत बड़ी है। उसने यही लिखा है कि सेपरेशन जो है प्लेट्स में वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू देयर साइज। इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब ये आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी आप लोगों ने गॉसियस लॉ में पीछे पढ़ी थी, मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बताई थी और लाइन चार्ज डेंसिटी भी बताई थी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, रो से, और लाइन चार्ज डेंसिटी को किया था लैम्डा से। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको कहते हैं सिग्मा से मेंशन। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है क्यू इक्वल्स टू सिग्मा। फिर गॉसियस लॉ अप्लाई करते हुए आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की थी गॉसियस लॉ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो वो आई थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से आपने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के लिए भी की थी, उसके और इसके फॉर्मूले में क्या फ़र्क था, उसमें सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट था इनफाइनाइट शीट चार्ज के वाले के लिए, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्यू निकल आया, ये ई निकल आया। अब आपने वी निकाल लेना, वी इक्वल्स टू क्यू और वी निकालेंगे, फिर उसको सी में पुट करेंगे, ठीक है। ये इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, क्यू और वी निकाल लेंगे और फिर उसको सी के लिए हम, क्योंकि हमने बेसिकली किसका एक्सप्रेशन निकालना है, कैपेसिटेंस का। क्यू ये आ गया, वी किस तरह से आया, ई डी, ई ये वाला ई का फॉर्मूला यहाँ पे आया, तो सी इक्वल्स टू क्यू ओवर वी, क्यू आपने ये वाला पुट कर देना है, वी आपने जो निकाला ये पुट कर देना है, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उसके बाद ये रह जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है ऊपर जाएगा, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी आ जाएगा। तो ये आपने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में होगा, अब इसमें एयर या वैक्यूम का कोई काम नहीं है। आपने अब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकते हैं, मैंने भी आपको बहुत सी टाइप्स बताई हैं, ग्लास, निकल, अलूमिनियम वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। When dielectric between the plates is a substance of relative permittivity, epsilon naught r, जिसे dielectric constant भी कहते हैं, ये भी मैंने सारी बातें आपको पहले बताई हुई हैं। Electric intensity in between the plates decreases and is given by this, ठीक है। Electric intensity E equals to sigma over epsilon naught आप लोग पहले फाइंड कर चुके हैं गॉसियस लॉ। अब E prime हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे epsilon naught r रिलेटिविटी परमिटिविटी का भी एक्सप्रेशन आया है, इसलिए इसको E prime से शो किया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फार्मूला वही है, बस थोड़े से नोटेशन चेंज कर दिए। V equals to ED था, इसको V prime E prime कर दिया। E prime में आपने ये वाली चीज़ पुट कर देनी है, E prime में सिग्मा ये चीज, ठीक हो गया, ये V prime हो गया। उसी तरीके से सी मीडियम, वहाँ पे पीछे आपने सी वैक्यूम किया था, अब सी मीडियम के लिए क्यू ओवर वी प्राइम करेंगे, क्यू वही रहेगा सिग्मा ए,
और वी प्राइम की जगह में ये वाली चीज़ आ जाएगी, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं काट के तो पीछे ये आता है। देखें, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी आपका सी वैक्यूम था ये वाली चीज़, और एप्सिलॉन नॉट आर का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। ये एप्सिलॉन नॉट आर और बाकी सारी चीज़ को आपने क्या कह दिया, सी वैक्यूम, यानी कि कैपेसिटेंस सी वैक्यूम में, ठीक हो गया। सो इस इक्वेशन से क्या शो हो रहा है, इस इक्वेशन से शो ये हो रहा है कि कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक, मीडियम यानी कि कोई भी मीडियम यानी कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटीरियल की प्रेजेंस में, देखें ये सी वैक्यूम जो है उसको एप्सिलॉन नॉट आर के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब किसी भी डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कितने टाइम ज़्यादा हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट आर टाइम ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी वैक्यूम, ठीक हो गया। यहाँ पे भी यही लिखा है, इक्वेशन थ्री शोज दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस डिपेंड्स अपॉन द, अच्छा ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करिए ये भी देखने, ए पे एरिया ऑफ द प्लेट पे, डी पे यानी कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे, एंड मीडियम डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन नॉट आर पे, बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब भी डाइलेक्ट्रिक होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी को, आप यहाँ से इस इक्वेशन से रिलेटिव परमिटिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से, देखें ये एप्सिलॉन नॉट आर है, इस ये सी वैक्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जब ये डिवाइड होगा तो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द इन वैक्यूम, देखें इट इज़ द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर, यानी एयर के अलावा, क्योंकि एयर ये वैक्यूम में तो ये वाली है, ठीक है, टू द टू मतलब डिवाइडेड बाय टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। ये रिलेटिव परमिटिविटी भी होगी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी होगी, इसको नोट्स को फॉलो करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे सारे डेफिनेशंस, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये इक्वेशंस जिन ख़ास तौर पे ये हैं मतलब यूँ हाईलाइट की गई हैं वो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, तैयार याद रखें, एमसीक्यूज में भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आपको कहीं वाइवा देना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो आम सिचुएशन में एक इंसुलेटर होता है, ठीक है, यानी कि उसमें जो चार्जेस हैं वो मूव नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ से इसको साथ साथ रीड करती जाती हूँ, साथ साथ बताती जाती हूँ। द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है, मतलब उसको बाहर से हमने कोई फील्ड या कोई टर्मिनल के साथ किसी के बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा उसे, तो दीज चार्जेस इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सच दैट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट्स आर विद द सेम। ये देखें, इस लाइन के बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती इसका क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ, जब भी कोई आम या न्यूट्रल सिचुएशन होती है जितने किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव होते हैं उतने ही उसमें अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो सारे अपनी अपनी पोजीशंस पे इसी तरीके से सेट रहते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इसका सेंटर इसके साथ कोइंसाइड का मतलब ये है कि वो अपनी एक न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कि वो मूव शूव नहीं कर रहे, आराम से टिक के बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा जी कहाँ गए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, अगर हाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए यानी कि उनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए कैपेसिटर की प्लेट्स को, जो पीछे मैंने अभी कैपेसिटर जैसे ये कैपेसिटर है, अब इसको अगर इसी तरीके से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और ये नेगेटिव के साथ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट, अब इसको बाहर से क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल दे रहे हैं,
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव चार्जेस टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट. आप देखें अब जो इस मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्जेस थे सारे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. इन डायलैक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स एक ही बात है क्योंकि सारे डायलैक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव. इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते. जिसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं उसे कंडक्टर्स कहते हैं. बट वैन डायलैक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस कैन अंडरगो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट. देखें ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल में है ये नहीं हुआ कि ये उठ के इधर आ गया हो. ठीक है थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ है. थोड़ा सा उसका स्लाइटली नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हुआ है. ठीक है क्योंकि ये इंसुलेटर है इसलिए इसमें फ्रीली मूवमेंट वाला सीन नहीं है. अगर ये कंडक्टर होते तो ये सारे नेगेटिव वाले इस साइड पे आ गए होते चार्जेस और ये सारे पॉजिटिव वाले इस साइड पे आ गए होते. ठीक है इसलिए स्लाइटली डिस्प्लेस होंगे. तो उसके रिजल्ट में क्या होगा आपको पता है हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. पोलराइजेशन होती तब है जब स्लाइटली से डिस्प्लेसमेंट हो चार्जेस का और थोड़ी देर के लिए इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बने उसके ऊपर. यानी कि इंस्टेंटेनियस मतलब कुछ टाइम के लिए. तो जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लिया यानी कि पॉजिटिव चार्जेस अंडरगो अ स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट. एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट. आप देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा तो अब ये अपनी उसी तरीके की स्टेट में नहीं रहेंगे जिस तरह से वो शुरू में थे कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव के साथ कोइंसाइड करें. ठीक है सो वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल शोज नेगेटिव चार्ज एंड अदर एंड शोज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बट द मॉलिक्यूल एज अ होल स्टिल मॉलिक्यूल अभी भी स्टिल क्या होगा न्यूट्रल होगा. दस मॉलिक्यूल्स ऑफ डायरेक्टिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम डायपोल्स. लिहाजा ये जो डायलैक्ट्रिक है इसके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होंगे डायपोल्स बन जाएंगे. डायपोल्स का मतलब थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो डिस्प्लेस होंगे. एंड डायलैक्ट्रिक इज सेट टू बी पोलराइज्ड और उसे कहेंगे कि वो पोलराइज्ड हो गया और इस फिनोमेना को सारे को कहेंगे पोलराइजेशन. बेसिकली डायपोल क्या होता है डायपोल कहते हैं कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस किसी डिस्टेंस पे हों किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हों उसे डायपोल कहते हैं. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस विल मेक अ डायपोल. यानी कि ये एक डायपोल है ये दो डायपोल तीन चार पाँच छः डायपोल. ठीक है अब तक के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.